हेलो गाइज, ओप्पो रेनो 8T 5G स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है और 10th February को इसकी फर्स्ट सेल इंडिया के अंदर स्टार्ट होने वाली है। लेकिन उससे पहले काफ़ी सारे यूज़र कन्फ्यूज में, क्या ये स्मार्टफोन को बाय करना हमारे लिए सही होगा, क्या ये स्मार्टफोन हमारे लिए एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ आज की इस वीडियो पर हम लोग जानने वाले हैं। क्योंकि आज हम बात करेंगे ये फ़ोन के कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स के बारे में, जिसके बाद आप सभी के जितने भी डॉट्स है वो क्लियर होने वाले हैं। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें ये फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो ये फ़ोन के बैक में ग्लोसी ग्लास बिल्ड को यूज किया गया है, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ है एंड साइड फ्रेम कर्व रहने वाला है जो कि प्लास्टिक है एंड फ्रंट डिस्प्ले भी सेंटर पंचोल के साथ कर्व देखने को मिला है। बाकी 7.7 mm की थिकनेस एंड 171 ग्राम वेट के साथ आया है, यानी कि लुक एंड डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन परफेक्ट रहने वाला है और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट एंड स्लिम भी होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें ये स्मार्टफोन के अंदर की स्पेक्स की, तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस के साथ एक 3D कर्व OLED डिस्प्ले के साथ आया है, जहाँ पे 120 हर्ट्ज की हाईर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी दिया गया है। तो डिस्प्ले के साथ हैंड ऑन फील एंड यूजिंग एक्सपीरियंस बेटर मिलने वाला है और ये डिस्प्ले HDR10+10 bit कलर सेचुरेशन को भी सपोर्ट करता है, यानी कि डिस्प्ले कलर कंट्रास्ट वगैरह को भी बेटर तरीके से मेंटेन करेगा, तो कंटेंट वॉचिंग पे भी डिस्प्ले परफेक्ट परफॉर्म देने वाला है। तो डिस्प्ले प्रोज में चला जाता है। लेकिन कैमरास की बात करें तो रियर पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, 108 megapixel की प्राइमरी शूटर, जहाँ पे सैमसंग का HM2 सेंसर को यूज किया गया है। तो प्राइमरी कैमरा तो डिसेंट वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पे 2 megapixel की मैक्रो शूटर एंड 2 megapixel की डेप सेंसर, अल्ट्रा वाइड एंगल मिसिंग है। तो ये चीज़ यहाँ पे कॉन्स में चला जाता है, क्योंकि ये फ़ोन जिस बजट में आया है ना, इस बजट में अल्ट्रा वाइड एंगल तो डेफिनेटली देना चाहिए, तो ये यहाँ पे मिसिंग है। बाकी फ्रंट पे सेंटर पंचोल कटआउट के साथ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। तो रियर का प्राइमरी एंड फ्रंट का सेल्फी दोनों कैमरास बेटर दिए गए हैं और ओप्पो का कैमरा ऑप्टिमाइजेशन भी बेटर होता है, खासकर रेनो सीरीज के अंदर। तो दोनों कैमरास के साथ अच्छे खासे फोटो एंड वीडियोग्राफी कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल मिसिंग है, जो कि कॉन्स में चला जाता है। अब आते हैं हम लोग ये फ़ोन के परफॉर्मेंस की तरफ। तो परफॉर्मेंस को लेकर ये फ़ोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाले 5G प्रोसेसर के साथ आया है, जिसकी एंटूतु बेंचमार्क स्कोर 4 लाख से ऊपर जाता है। अब देखा जाए तो इसे भी मैं कॉन्स ही देना चाहूँगा, क्योंकि देखा जाए तो ये फ़ोन जिस प्राइस पॉइंट पे आया इंडिया के अंदर, 8 128 GB वेरिएंट, एक ही वेरिएंट इंडिया के अंदर आया है, जिसकी प्राइसिंग 29999 रखा गया है, यानी कि 30,000 के प्राइस पॉइंट पे। हालांकि ये फ़ोन के स्टार्टिंग में कार्ड वगैरह का ऑफर वगैरह भी दिया गया, जिसे अप्लाई करने के बाद आप लोग ये फ़ोन को 27,000 के प्राइस पॉइंट पे बाय कर पाओगे, लेकिन नॉर्मल प्राइसिंग इसकी 30,000 ही रखी गई है। अब देखा जाए तो इससे नीचे वाले प्राइस पॉइंट के स्मार्टफोनों पे हमें Dimensity 1080 वाला प्रोसेसर दिया जा रहा है। Realme 10 Pro Plus को देख सकते हो, जो कि 24999 के प्राइस पॉइंट पे आया है, उसमें हमें 1080 वाला प्रोसेसर दिया गया, जो कि ये प्रोसेसर से कई गुना बेटर परफॉर्म दे रहा है। तो इसलिए मैं इस प्रोसेसर को इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग कौन सी देना चाहूँगा। अब बढ़ते हम लोग ये फ़ोन के बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ। तो ये फ़ोन 4800 mAh की बैटरी के साथ आया है, जिसे चार्ज करने के लिए 67 W की फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। तो ये डिपार्टमेंट मुझे ठीक ठाक लगा है। बाकी अदर छोटे मोटे फीचर्स की बात करें तो ये फ़ोन पे डुअल स्टोरेज स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, डुअल सिम स्लॉट एंड SD कार्ड का भी सपोर्ट दिया गया है। सिर्फ यहाँ पे 3.5 mm जैक नहीं दिया गया। बाकी विद बॉक्स ये फ़ोन एंड्रॉयड 13 एंड ColorOS 13 के साथ आया है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन हमें ये फ़ोन के साथ दिए गए। अब बात करें कि ये फ़ोन को बाय करना सही होगा या नहीं होगा, ये फ़ोन जिस प्राइस पॉइंट पे आया है उसके अकॉर्डिंग, तो मैं अगर आपको अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो इससे नीचे वाले प्राइस पॉइंट पे 25,000 के प्राइस पॉइंट पे हमें Realme 10 Pro Plus का ऑप्शन दिया गया, जो कि इससे बेटर ऑप्शन मुझे लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी हमें सेम कर्व डिस्प्ले दिया गया, 108 megapixel के साथ 8 megapixel की अल्ट्रा वाइड एंगल दिया गया, 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी दी गई है, उसके साथ 1080 वाला 5G पावरफुल प्रोसेसर भी दिया गया। तो मेरे अकॉर्डिंग इसे स्किप करके अगर आप लोग Realme 10 Pro Plus की तरफ जाओगे तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। तो ये था गाइज मेरा ओपिनियन। फिलहाल आपके अकॉर्डिंग आपका ओपिनियन क्या होता है, आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आई होप गाइज आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आओ तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड मिलते गाइज हम लोग अगले फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।